नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज का ये वीडियो है फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का नेक्स्ट पार्ट। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉग से आप 21 तरीकों से कैसे पैसे कमा सकते हैं। सही सुना आपने, एक ब्लॉग 21 तरीके से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। सुनने में आश्चर्य लग रहा है, कॉमेंट करके जरूर बताएं हमें। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये जो 21 तरीके हैं, हो सकता है आपने बहुत सारे तरीके इसमें से सुन रखे हो सकता है आपने ना सुने हो, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको 21 तरीकों में काम करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि एक ब्लॉग में कितनी पोटेंशियल है, कितने तरीकों से आप उसमें पैसे कमा सकते हैं। कोई सा भी एक तरीका अगर आप मास्टरी कर लेते हो, जब आप ब्लॉगिंग करते हो तो आपको नहीं पता होता कि आप किस वे में मास्टरी कर लोगे, पर कोई सा भी एक वे है जिसमें आप मास्टरी कर लोगे, आप लाखों रुपए कमा सकते हो। ज्ञान होना सबके लिए जरूरी है, प्लस उसमें से बहुत सारे ऐसे वीडियोज होंगे जिनके लोग हमारे पास आकर सक्सेसफुल स्टोरी सुना गए हैं, तो आप वो चैनल में भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सर, जैसे आपने बात की कि हम 21 तरीकों से एक ही ब्लॉग से पैसे कमा सकते हैं, तो मेरे बहुत सारे, अगर मैं एक यूज़र हूँ तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और उन क्वेश्चंस के मुझे आपने आंसर देने, मैंने आपको पूरा ग्रिल करना है आज। ग्रिल करने के लिए मैडम को हमने रखा था। तो पॉइंट ये है कि एक्चुअली मैं अपने आप को आप लोगों की जगह रखती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं बिल्कुल न्यू हूँ इस चीज़ में तो मेरे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं कोशिश करूँगी, कुछ तो नॉर्मल कॉमन ही क्वेश्चंस होंगे, तो सर मैं आपको बताऊंगी कि ये आपने एक तरीका बताया है कि फलाना तरीका है ब्लॉगिंग से पैसे कमाने का, उसमें मेरे 4-5-6 क्वेश्चंस होंगे, आप उस क्वेश्चंस का मुझे आंसर दीजिएगा। और सर एक और चीज़ है कि जैसे आपने बोला कि 21 तरीकों से आप पैसे कमा सकते हो, और आपने ये भी बोला कि अगर इनमें से एक में आपने मास्टरी कर ली तो आप लाखों कमा सकते हैं, तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं हमको कि उन 21 तरीकों में आप हमें रेटिंग दें कि ये वाला तरीके को आप 5 स्टार में से 4 स्टार देना चाहेंगे, इस तरीके को आप 5 स्टार में से 4 स्टार या 3 स्टार देना चाहेंगे। ओके, तो रेटिंग जरूर दूंगा मैं, और कैसे रेटिंग दूंगा ये मैंने कुछ सोचा है कि 5 स्टार सबसे अच्छी रेटिंग होगी और 1 स्टार सबसे खराब रेटिंग होगी। 5 स्टार का ये मतलब नहीं है कि उसमें आप बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। 5 स्टार का ये मेरा मतलब है कि सबसे ज्यादा फोकस्ड आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि इस मेथड पर आपका बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए, और 1 स्टार का ये मतलब है कि आप उसमें कम फोकस कर सकते हैं, पैसे से उसका कोई लेना देना नहीं। मॉनिटरी बेनिफिट के लिए हम ये बता रहे हैं आपको, इन जनरल बता रहे हैं कि आपको इसमें फोकस करिए। ठीक है, तो सर स्टार्ट करें। बिल्कुल। तो सर सबसे पहला तरीका बताइए आप। सबसे पहला है एडसेंस, जो सबको पता है, प्लीज मुझे गालियां मत दीजिएगा ना, पर सबसे कॉमन भी है। और एडसेंस अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज कॉमेंट करें कि क्या चीज है। मोटा माटी में बता दूं कि गूगल का ही एक प्रोडक्ट है जिसको पब्लिशर प्रोग्राम कहते हैं, वो उसमें आपका अगर ब्लॉग होता है, ट्रैफिक होता है, तो आप उसमें एनरोल करते हैं और आपका जो ब्लॉग होता है आप गूगल से को देते हैं एक तरीके से रेंट पर। ठीक है, आप बोलते हैं मैंने अपना ब्लॉग आपको रेंट पर दे दिया है और आप इस पर किराएदार लेके आओ, किराएदार मतलब एड्स। ठीक है, और उसके हमें पैसे मिलेंगे, थोड़ा सा कमीशन वो अपने लिए काट लेता है। ये एडसेंस गूगल का प्रोग्राम है, इसी तरीके से फेसबुक का भी प्रोग्राम है जिसको इंस्टेंट आर्टिकल्स कहते हैं। इससे भी बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, मैं अभी इसमें बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, मुझे करना चाहिए। थर्ड है टबोला, है ना, ये भी काफी लोगों ने देखा होगा, जब पेज खत्म हो जाता है ब्लॉग का तो नीचे टबोला एड्स आती हैं। तो ये भी 3 तरीके हैं, प्लस और भी डायरेक्ट मोनेटाइजेशन के तरीके हैं जिनसे आप कमा सकते हैं पैसे। ठीक है, और सर आप इसको रेटिंग कितनी देंगे? रेटिंग मैं इसको दूंगा बेसिकली 5 स्टार। इस पर आपका फोकस होना ही चाहिए, आप भले ही पैसे कमाएं या ना कमाएं, आगे आने वाली जो चीजें हैं उसमें ये काफी काम आने वाली है। ठीक है सर, अगला तरीका क्या होगा? सेकेंड है ब्लॉग टैंक, है ना। ब्लॉग टैंक काफी लोगों ने, जो मेरे यूजर्स हैं पहले के, उन्होंने सुन रखा होगा। ये हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि जो भी एक नया बंदा है, नया ब्लॉगर है, नया यूट्यूबर भी है, हम उसको फंडिंग करेंगे। ओके, अब क्या होता है, फंडिंग आपने अगर टर्म सुन रखा होगा तो वो स्टार्टअप के लिए है। अब स्टार्टअप में क्या होता है, आपके पास एक आइडिया होता है, आप उसको इंप्लीमेंट करते हैं और अगर इन्वेस्टर्स को अच्छा लगता है तो उसमें पैसे लगाते हैं। बट मोस्टली जितने स्टार्टअप्स हैं सारे के सारे घाटे में, ठीक है, सारे घाटे में। जोमैटो, पेटीएम, आप जितने देखेंगे ना, जितने बड़े ब्रांड्स हैं सब घाटे में।
दूसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे फिजिक्स वाला, ठीक है, फिजिक्स वाला का भी स्टार्टअप है, यूट्यूब से उन्होंने रिलेटेड स्टार्ट किया है, वो फायदे में है, ठीक है, वो प्रॉफिटेबल है। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप एक ब्लॉग को बड़ा बना सकें, अगर आपका विजन बड़ा, यूट्यूब को बड़ा बना सकें, तो स्टार्टअप्स को आप बहुत पीछे कर सकते हैं। इनफैक्ट आप एक स्टार्टअप ही बना सकते हैं। उसका मैंने इनिशिएटिव लिया है, ये दुनिया में अपने आप रेवोल्यूशनाइज वाली चीज है, कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा हम स्लो हैं इसमें, क्योंकि हमें भी समझने में टाइम लग रहा है कि इसको आगे कैसे बढ़ाएं। पूरा एक्चुअली हम चाहते हैं कि इसका पूरा प्लान ऑफ एक्शन प्रॉपरली बने, स्ट्रेटजी प्रॉपरली बने, सो दैट कि आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले, इससे बेनिफिट मिले और ये बहुत टर्म पॉपुलर हो जाए और इससे ज्यादा से ज्यादा ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स को फायदा हो। सर तो इसमें मेरे बहुत सारे कुछ बेसिक क्वेश्चन है। सबसे पहले कि हमको इसमें फंडिंग कैसे मिलेगी? फंडिंग के लिए आपको ब्लॉग टैंक वाला वीडियो देखना पड़ेगा, आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। और सर ये कितना डिफिकल्ट है ब्लॉग टैंक में पार्टिसिपेट करना? बहुत ईजी है, आपको एक्टिव रहना है। अच्छा, अब मैं इसमें क्या देखूंगा, बेसिकली हमें क्या देखना है, एक नया ब्लॉगर यूट्यूबर है तो हो सकता है उसका ब्लॉग हो ही ना, तो मैं देखूंगा कि उसमें ईमानदारी कितनी है। ईमानदारी मतलब कितना काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को मैंने फंडिंग दी और मैंने उसको टास्क दिया कि तुमको 10 ब्लॉग लिखने हैं, तो वो लिखेगा कि नहीं लिखेगा? अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई वो हमारी कम्युनिटी में एक्टिव है कि नहीं है, वो कमेंट करता है कि नहीं करता है? अगर आप हमारी कम्युनिटी में हो, कमेंट करते रहते हो, तो प्लीज आपको इजीली मुझे समझ में आ जाएगा बेसिकली कि आप एक्टिव हो। ठीक है सर, इस ब्लॉग टैंक में पार्टिसिपेट करने के लिए एफर्ट्स कितने होंगे? एफर्ट्स बस आपको एक्टिव रहना है और आपको हमारे सारे ब्लॉग्स देखते रहना है, ब्लॉग रिव्यू देखते रहना है, क्योंकि जब हम आप प्रेजेंटेशन दोगे तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछूंगा कि आपको ब्लॉगिंग, ब्लॉग हो या ना हो, पर आपको ब्लॉगिंग के बारे में पता होना। एक्चुअली कंसेप्ट के पैसे हैं बेसिकली, कि आपको आइडिया कितना है इस चीज को लेकर के। सर इसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है? कोई नहीं, सामने वाले का जीरो इन्वेस्टमेंट है, सारा इन्वेस्टमेंट मैं ही करूंगा, 10 लाख रुपए तक की मैं फंडिंग दूंगा एक बंदे को। ठीक है सर। और सर एक बार जैसे हमने ब्लॉग टैंक में पार्टिसिपेट कर लिया और सपोज हमारा ब्लॉग चल जाता है, तो सर हम कितना पैसा बना सकते हैं इससे? अगेन देखो, अब है ना, फॉर एग्जांपल मैंने किसी बंदे को 10 लाख रुपए की फंडिंग दी, तो मैं इससे इक्विटी लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने 10% की इक्विटी ली, ओके, तो जब ये ब्लॉग कमाने लग जाएगा, अगर मैं देखो किसी को 10 लाख रुपए दे रहा हूं, तो मुझे विश्वास है कि आगे जाके 4-5 लाख रुपए महीने कमाने लग जाएगा, ओके, तो जब वो कमाने लग जाएगा, पूरे पोटेंशियल इतनी होगी कि 5 लाख रुपए महीने कमाने लग जाएगा। अच्छा, इसमें पैसे की मैं बात कर दूं कि सिर्फ 10% प्रॉफिट मेरा होगा, है ना, 90% प्रॉफिट आपका होगा, 5 लाख मतलब इसमें अफरात पैसे आप कमा सकते हैं। ठीक है सर, मतलब मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि मतलब इंडिया के टॉप ब्लॉगर हैं और अगर आपको मेंटरशिप दे रहे हैं, वो भी फ्री में दे रहे हैं, तो आई थिंक इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। और सर आप इसको रेटिंग कितनी देंगे? 5 स्टार दूंगा। आपका कंसेप्ट है तो आप 5 स्टार रेटिंग देंगे ही देंगे। नहीं, डेफिनेटली बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बिल्कुल यूनिक कंसेप्ट है, आज तक पूरे वर्ल्ड ने ऐसा किसी ने भी ब्लॉग आपने सुना है कि नहीं सुना है ये भी कॉमेंट करके बताएं। सर अगला भी बताइए। नेक्स्ट है दूसरों के लिए ब्लॉग बनाना, मेक ब्लॉग फॉर अदर्स, ओके, मतलब ब्लॉग की सर्विसेज प्रोवाइड करना। यस, ओके, ठीक है सर। तो सर इसमें बहुत सारे मेरे क्वेश्चन से मैं आपसे पूछती हूँ कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्लाइंट्स को कैसे ढूंढें और उनसे कितना पैसा चार्ज करें? तो क्लाइंट्स कैसे ढूंढें, इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक यूट्यूबर ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और उसका ब्लॉग था, तो ब्लॉग के पर्सपेक्टिव से किया था, तो मैंने बोला ये ब्लॉग बनाया किसने, तो तुमने बनाया? कह रहा नहीं सर, मैं, मेरे पास तो ब्लॉग था ही नहीं, मुझे आइडिया भी नहीं था, एक बंदे ने मुझसे कांटेक्ट किया, बोला आपका यूट्यूब है, तो अगर यूट्यूब है तो आप ब्लॉग से तो वैसे ही बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, हमारा जो वेब मेंशन वाला मेथड है, तो उसने कहा, उसने कांटेक्ट किया और मुझसे बोला कि मैं ब्लॉग बनाऊं, तो मैंने कहा उसको ब्लॉग बनाना आता नहीं था, तो उसने कहा मैं आपके लिए ब्लॉग बना दूंगा। उसने दो ऑप्शन रखे कि फ्री में ब्लॉगर में बन जाता है और वर्डप्रेस में बनता है, तो आप या तो खुद बना लो, उसने कहा आता नहीं बनाते, तो 1000 रुपीज उसने चार्ज किए फ्री ब्लॉगर का ब्लॉग बनाने के लिए, और उसने बनाया और बाद में इवेंचुअली उसको वर्डप्रेस में भी उसी से ही मूव कराया। इससे मुझे पता चला कि आप ऐसे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूबर से जिनका ब्लॉग नहीं है और उनके लिए ब्लॉग बना सकते हैं। ओके, और सर कितनी मनी चार्ज करनी चाहिए अगर हम बात करें तो? 1000 रुपीज फ्री ब्लॉगर के लिए बिल्कुल सही है, और फिर एसईओ के लिए बेसिकली एक नया ब्लॉग है तो आप 5000 रुपीज चार्ज कर सकते हो वर्डप्रेस के लिए। ओके, है ना, इसी से लिए अब मैं यहाँ पे बोलूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका ब्लॉग हो और जिनके ना हो, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप नए ब्लॉगर हैं तो फ्री ब्लॉगर से भी आप सारी चीजें कर सकते हो, पर आगे आने वाली जो सारी चीजें हैं ना, मैं बता रहा हूं कि अगर आपका वर्डप्रेस ब्लॉग है ना, तो आप भले ही ट्रैफिक हो ना हो, आप अफरात पैसे दूसरी चीजों से कमा सकते हो अगर आपका वर्डप्रेस रिलेटेड ब्लॉग हो, और वर्डप्रेस के लिए आपको होस्टिंग लेनी पड़ती है जिसका चार्जेस आते हैं,
और जो भी नया ब्लॉगर है मैं उसको होस्टिंगर प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हमारे इस चैनल पर यूजुअली ब्लॉग रिव्यूज होते हैं और ब्लॉग रिव्यूज में जो नए ब्लॉगर आते हैं वो होस्टिंगर यूज करते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो होस्टिंगर के जो प्रीमियम प्लान्स चलते हैं उसमें 100 ब्लॉग तक आप होस्ट कर सकते हैं और काफी अफोर्डेबल रेट पे वो चलते हैं। प्लस अगर आप मेरी अफिलिएट लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दी हुई है आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप मेरी अफिलिएट लिंक से कोई सी भी होस्टिंग लेते हैं तो प्लीज मुझे ईमेल करें उसकी इनवॉइस, कुछ ना कुछ गुडीज हम आपको जरूर देंगे। ओके, तो सर दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा लगा ये सुन करके कि मतलब, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वर्डप्रेस पे बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी को भी ब्लॉग की सर्विसेज दे रहे हैं तो आप वर्डप्रेस पे बनाएंगे तो वो ज्यादा इंप्रेसिव होगा, राइट। तो सर मनी तो आपने हमें बता दी कितना चार्ज करें, डिफिकल्ट कितना है ये काम करना? मीडियम लेवल का मैं बोलूंगा डिफिकल्टी, और ये करना चाहिए आपको। करना क्यों चाहिए? क्योंकि देखो इसे नेटवर्क बनेगा, है ना। आप ये ना सोचें कि सामने वाले से जब आप बात कर रहे हैं तो उसे कुछ पैसा आए, आप उसे नेटवर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि जो आने वाले मेथड है ना उसे आपको पता चलेगा कि एक नेटवर्क से आप कितना धमाल कमाल कर सकते हैं। और सर इसमें इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड होगा? इन्वेस्टमेंट देखो आपके पास, मेरा मानना है कि एक वर्डप्रेस रिलेटेड ब्लॉग होना चाहिए। इससे ये भी होगा कि देखो जब आप ब्लॉग बनाओगे तो आपकी सोच छोटी सी होगी, आप अपने हिसाब से ही बनाओगे। जब दूसरों के लिए बनाओगे तो हो सकता है कि वो कुछ आपको ऐसा काम दे, एक्चुअली रिक्वायरमेंट पे आपको और सीखने मिलेगा, और सीखने मिलेगा, प्लस वो अपने ब्लॉग पर भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो आपके पास वर्डप्रेस वाला ब्लॉग होना चाहिए जिसमें होस्टिंग का खर्चा आएगा। ओके ओके सर। और सर मतलब अगर मैं मोटा माटी बात करूँ कि मुझे सपोज मैंने स्टार्ट कर दी अपनी ब्लॉग सर्विसेज, मेकिंग ब्लॉग सर्विसेज, एंड ऑफ द मंथ में कितना अर्न कर पाऊंगी? आप इसमें 1,000 रुपए से लेकर अफरात पैसा कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप छोटा देखेंगे तो आप 1,000 रुपए कर रहे हैं, इसी को अगर बड़ा, अगर आपका विजन है तो आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी तक बना सकते हैं। सर रेटिंग बताइए आप कितनी देंगे इसका? 5 स्टार देंगे, क्योंकि इसमें आपको मॉनेटरी बेनिफिट हो या ना हो आपकी नेटवर्किंग सॉलिड होने वाली है। वेरी नाइस, सुपर्ब सर। सर अगला वे बताइए, वो है PBN, नेटवर्क बनाना और बैकलिंक्स सर्विसेज देना। ओके, तो सर थोड़ा सा अगर आप हमें ब्रीफ बता दे कि PBN क्या होता है। ये मैं अगर बताने बैठ गया ना तो एक अपने आप में एक सागर है, तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट एक सर्कुलर नेटवर्क बनता है वो PBN होता है। और बैकलिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में आएगी। मैं डिले कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले आप ब्लॉगिंग सीखें इन जनरल क्या है, फिर आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। एक्चुअली बैकलिंग एक ऐसी चीज है दैट कैन मेक यू और दैट कैन ब्रेक यू। यस, हम बहुत इस चीज को लेकर के फूक फूक के कदम रख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे शायद हमारे यूजर्स हमसे बार बार बोलते भी हैं कि आप बैकलिंग वाला वीडियो लेकर के आओ लेके आओ, बट हम थोड़ा फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि पहले आप ब्लॉगिंग सीखो, बैकलिंग हम आपको समझाएंगे, बहुत आराम से समझाएंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए, राइट। सर दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि आप बैकलिंक सर्विसेज प्रोवाइड करिए, तो हम उसके लिए क्लाइंट्स कैसे ढूंढ करके लाएं और उनसे कितना मनी चार्ज करें? देखो क्लाइंट है ना, फाइवर, अपवर्क, फेसबुक ग्रुप, ये तो है ही है। थर्डली आपने अभी हमने बोला कि मेक ब्लॉग की आप सर्विस स्टार्ट करें। ओके, अब उसी बंदे को आगे जाके बैकलिंक की सर्विसेज भी चाहिए होगी, कौन देगा? आप दोगे, ठीक है। प्लस नेटवर्क बनेगा, जब आप इस तरीके से दूसरों की हेल्प करोगे तो वो बता सकता है कि XYZ बैकलिंक की सर्विसेज देता है, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर और इसके लिए कितना पैसा चार्ज करें? एक हमने सपोज क्लाइंट मिल गया और उसने हमें बोला कि हमें बैकलिंक बनवानी है, तो हम उससे कितना चार्ज करें? देखो बैकलिंक बनाने की अलग अलग सर्विसेज होती है। मैं अगर PBN की भी बात करूँ ना, तो PBN एक नेटवर्क है, तो अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा नेटवर्क है और इसकी अथॉरिटी कितनी बड़ी है। ओके, तो ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। छोटा नेटवर्क है आप कम पैसे कमाओगे, और बड़ा नेटवर्क है तो अफरात पैसे हैं इसमें, मतलब 1,000 लोग हैं आपके नेटवर्क में तो कम पैसे होंगे, अगर आपके उसी नेटवर्क में 40,000 लोग हैं तो आप उससे 40 गुना पैसा कमा सकते हैं। सर डिफिकल्टी कितनी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सुनने में ही डिफिकल्ट लग रहा है। डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें नेटवर्क आपको टाइम लगेगा करने में। डिफिकल्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ कि टाइम लगेगा इसको करने में, बट पॉइंट ये है कि ये बहुत फायदा देने वाला है आपको आगे अगर आप नेटवर्किंग करेंगे। ओके, और सर क्या इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी? कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसमें नेटवर्क बनाना है, तो बेसिकली कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। ओके सर, फाइनल पॉइंट रेटिंग, तो इसमें मैं दूंगा 2 स्टार बेसिकली। ओके, नेक्स्ट बताइए सर। अगेन गालियां मत देना मुझे, बट कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। कंटेंट राइटिंग तो सर मुझे ऐसा लगता है समुद्र है। यस, है ना, कंटेंट राइटिंग आप छोटा समझ रहे हैं, ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखना भी कंटेंट है, लिंक्डइन पर जो पोस्ट आती है वो भी कंटेंट है। ओके, और गोस्ट राइटर्स भी होते हैं जो बुक्स वगैरह, गोस्ट राइटर मतलब बहुत सारे फेमस ऐसे ऑथर्स होते हैं जो खुद नहीं लिखते हैं,
वो लोगों से लिखवाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे ऑथर बन गए, फॉर एग्जाम्पल, तो आप मुझसे लिखवाओगे, मैं आपके लिए लिखूंगा, तो मैं घोस्ट राइटर हूँ. ओके, आप अपने नाम से उसे पब्लिश करोगे पर मैं घोस्ट राइटर हूँ. तो इस टाइप के जो घोस्ट राइटर्स होते हैं वो अननोन होते हैं बट सॉलिड पैसा कमाते हैं. ओके, मतलब मुझे सर लगता है कंटेंट राइटिंग इट्स की मेकिंग कंटेंट फॉर एवरी एनीथिंग, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे कुछ भी हो. तो कंटेंट राइटिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वो है. तो सर इस कंटेंट राइटिंग के लिए हम कैसे क्लाइंट ढूंढें और उसके लिए हम कितना चार्ज करें मनी? कंटेंट राइटिंग के लिए हमारा एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है विशेष जी का, जो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और उसमें उन्होंने पूरा डिटेल में समझाया है. ब्रीफ में मैं आपको बताऊं, 10 पैसे से लेकर आप 10 रुपए पर वर्ड तक इसके लिए चार्ज कर सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन कि आपका यूके क्लाइंट है, यूएस क्लाइंट है, इंडिया का क्लाइंट, राइट? ओके, और सर इसकी डिफिकल्टी लेवल कितनी होगी? डिफिकल्टी मैं वेरी इजी मानूंगा. कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ब्लॉग लिखना टफ लग रहा होगा, तो आप प्लीज हमारा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 0 देख लें, आपकी सारी झिझक प्रॉब्लम से सारी सॉल्व हो जाएगी. कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व, मुझे ब्लॉग लिखते नहीं आ रहा, मेरा एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे ट्रैफिक नहीं आ रहा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व. फ्री ब्लॉगिंग कोर्स पार्ट 0 देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा. और इजी इसलिए बोल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि देखो आप जब कंटेंट लिखोगे अगेन, तो क्या होगा कि दूसरों के लिए लिखोगे, थोड़ी सी नेटवर्किंग बनेगी, पैसे आएंगे, दूसरों की रिक्वायरमेंट आपको समझ में आएगी कि सामने वाला क्या सोचता है, नहीं सोचता है, और धीरे 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 करके आपकी राइटिंग स्किल निखरती जाएगी, जो कि आपके ब्लॉगिंग करियर के लिए आपके लिए बहुत फायदे. ओके, और सर इसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? इन्वेस्टमेंट 0 है ना, कुछ नहीं है, क्योंकि आपको आर्टिकल ही लिखना है, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट? और सर हाउ मच मनी वी कैन मेक एट द एंड ऑफ द मंथ? इसमें आप 3,000 रुपए महीने से लेकर 50-60 हज़ार रुपए महीने इजीली कमा सकते हैं. ये तो हमारे पास खुद के पास लाइव एग्जांपल, खुद के पास लाइव एग्जांपल, हमारे कंटेंट राइटर्स थे, दे स्टार्टेड विद 3,000 एंड अर्निंग इन लैक्स नाउ. यस, है ना. आप और अगर आप अमेरिकन क्लाइंट को कुछ पकड़ ले, कॉपी राइटिंग वगैरह करने लग जाए, तो आप और ज्यादा कमा सकते. सर रेटिंग बताइए कितनी देंगे? 5-स्टार रेटिंग में दूंगा. पैसे आपको कम लग रहे होंगे इसमें, पर पॉइंट है कि ये जब आप करेंगे तो बाकी सारी चीजों में बहुत फायदा मिलेगा. सर मैं ओवरऑल एक चीज अपने यूजर्स को बताना चाहूंगी कि आप ना सारी एक एक ना लिखिए जो हम आपको बता रहे हैं, और आप ना एट द एंड ऑफ द जब हम 21 आपको बता देंगे कि आप देखेंगे कि अगर आपने एक क्लाइंट पकड़ लिया ना, तो आप ये सारे के सारे 21 तरीके उसके ऊपर डाल देंगे. yes. ये बहुत अमेजिंग है, सारे इंटररिलेटेड हैं एक दूसरे से. सर अगली बताइए. अगली है SEO सर्विसेज. ओके, तो सर SEO सर्विसेज में फिर मेरा वही क्वेश्चन है कि क्लाइंट्स कैसे बनाएं और उनसे कितना मनी चार्ज करें? देखो क्लाइंट्स अगेन, आपने ब्लॉग बनाया, किसी के लिए ब्लॉग बनाया था, ठीक है, आप उसको आप बैकलिंग वगैरह दे रहे हो, आप उसको बोल सकते हो SEO सर्विसेज. देखो अगर कोई क्लाइंट आए तो उसको काटना नहीं है शुरू में ही आकर, पहले ही आप बोल दो कि देखो तेरे को ब्लॉग भी बनाना पड़ेगा, तेरे को सर SEO भी करना पड़ेगा, तेरे को ये भी करना पड़ेगा, वो भाग जाएगा यार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है. तो कोई ब्लॉग बनाने आ रहा है, आप उसको पिच कर रहे हो, तो पहले से ब्लॉग बनाओ. धीरे से आप बोलो सर अब आपको SEO सर्विसेज की भी जरूरत पड़ेगी, आपके पास तो टाइम नहीं है, मैं SEO सर्विसेज कर देता हूँ, ठीक है ना. और भयंकर डिमांड है यहाँ पर SEO सर्विसेज की, जो छोटी मोटी सी कंपनीज है ना, हम यहाँ गुड़, अच्छा लोगों को यहाँ पता है ना हम लोग SEO से रिलेटेड है, वो कहते हैं कि लड़के ही नहीं मिल रहे, 50-50 हज़ार रुपए महीने जॉब देने के लिए तैयार हैं, वो लड़के ही नहीं मिल रहे SEO के ये लिए. तो बिल्कुल लाइव एग्जांपल है हमारे सामने कि लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई हमसे बोलते हैं कि आप कर दो हमारा SEO, पर हमारे पास टाइम नहीं है. लोग मतलब मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार है, तो उनको बंदे नहीं मिल रहे, बंदे नहीं मिल रहे हैं. तो SEO सर्विसेज से आप बहुत अच्छी अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं. सर कितना पैसा चार्ज करना, अगर हम मैं सपोज किसी क्लाइंट को ले लेती हूँ कि मैं आपका ब्लॉग का SEO कर देते हैं, तो उसके लिए चार्ज कितना करना होता है? चार्जेस एक्चुअली क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है. अगर कोई बहुत छोटा बंदा है, आप उसको अचानक से 50,000 रुपए बोल दोगे तो नहीं होगा, तो आप 3,000 रुपए महीने से लेकर 3,00,000 रुपए महीने तक इसके लिए चार्ज कर सकते हैं. ओके, और सर डिफिकल्टी लेवल कितना होगा इसका? डिफिकल्टी लेवल इज वेरी हाई, बिकॉज SEO तभी आप कर सकते हो जब आपको पता हो एक्चुअली. और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आपसे कोई ये बोलता है ना कि मैं SEO में परफेक्ट हूं, तो देयर इज नो परफेक्ट वर्ड इन SEO, राइट सर? SEO के लिए परफेक्ट वर्ड नहीं. और दूसरी चीज पता है क्या होती है, कुछ है ना, मैंने YouTube वीडियोस ऐसे देखे हैं जो कहते हैं कि हमारी ये ट्रिक अपनाएं और आपका वीडियो वायरल हो जाएगा और उसकी में 4 व्यूज है. हाँ, है ना. एक्चुअली आप ऐसे ही आप SEO के लिए बोलोगे कि यार हम आपके ब्लॉग का SEO कर देंगे, तो भाई आपको पहली चीज SEO आना चाहिए, आपको कोई ब्लॉग होना चाहिए और कुछ रैंक करना चाहिए. right. इन सबको करने में आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी, पेशेंस लगेगा. तो जब आप परफेक्ट हो जाओगे, है ना, परफेक्शन की तरफ ध्यान दोगे, तो फिर इनफाइनाइट लोगों की कमी है इस इंडस्ट्री में, बहुत ही कम लोग हैं.
एक्चुअली वो सबसे बड़ी बात ये है ना कि SEO, अगर आप ये बोलते हो सामने वाले क्लाइंट को कि मैं SEO में परफेक्ट हूँ, तो देर इज़ नो परफेक्शन वर्ड इन SEO, बिकॉज हर बार गूगल की एल्गोरिथम चेंज होती है और हर बार एक नया SEO निकल करके आ जाता है, राइट? और सर इसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है? इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट अगेन आपके पास ब्लॉग होना चाहिए, वर्डप्रेस रिलेटेड ही ब्लॉग मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे SEO, अच्छा SEO के टूल्स भी आपको लेने पड़ेंगे, right. जब आप बड़े क्लाइंट आप बोलोगे तो आपके पास SEO के बहुत सारे हायर वर्जन ऑफ टूल्स होने चाहिए जिनके सब्सक्रिप्शन आपने ले रखे हो, जब आप प्रेजेंटेशन करोगे वो सारी चीजें तभी इम्पैक्ट आएगा, तो इसमें okay. पैसा खर्चा लगेगा। ओके okay. और सर रेटिंग कितनी देंगे आप इसकी? रेटिंग में 2 स्टार दूंगा इसको। ओके okay. सर अगला बताइए अब क्या है? गेस्ट पोस्ट। ओके okay. तो गेस्ट पोस्ट के लिए सर कैसे क्लाइंट्स ढूंढें और कैसे उनसे चार्ज करें मनी? गेस्ट पोस्ट के लिए हम पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं आशीष अरोरा के साथ, अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा उसका, और उसने पूरा डिटेल में बताया कि कैसे क्लाइंट ढूंढना है, क्या करना है, क्या सारी चीजें। और सर इसका डिफिकल्टी लेवल कितना होगा? इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई है अगेन, क्योंकि देखो गेस्ट पोस्ट मतलब सामने वाले बंदे के पॉकेट में जाकर पैसे निकालने, और भारतीय है ना पैसे देते नहीं है, थोड़ा सा कंजूसी करते हैं। जैसे यहीं पे मैं एग्जांपल बोलूं कि आपको वर्डप्रेस ब्लॉग स्टार्ट करना है तो आपको होस्टिंग का खर्चा आने वाला होगा, 4 दोस्त आप मिल जाओगे, 1000 रुपए के आसपास साल का खर्चा आएगा, 1000 रुपए पार्टी में खर्च कर देगा बिना सोचे समझे, ठीक है, और यहाँ होस्टिंग के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि भारतीयों की सोच थोड़ी सी ऐसी है, इस वजह से गेस्ट पोस्टिंग में थोड़ा इनिशियली पैसे निकालना डिफिकल्ट है। ओके तो सर इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट है? इन्वेस्टमेंट में ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपका नेटवर्क जितना बड़ा बनता जाएगा आपको सारी चीजें पता चलती जाएंगी। ओके और सर कितना पैसा बना सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ? इसमें लाखों रुपए कमा सकते हैं आप। इसमें क्लाइंट अगर आपके पास एक तगड़ा फंस गया, जैसे आशीष हमारे साथ आया था, वो लाखों रुपए गेस्ट पोस्टिंग से कमा रहा है, प्लस आदित्य राज, ठीक है, आशीष के जो क्लाइंट्स है वो इंडियन है, आदित्य राज वाला जो वीडियो है वो उसने हमें जो बताया $12,000 उसने एक गेस्ट पोस्ट के क्लाइंट से चार्ज कर रखे हैं, ये हमें पता है, जो लोग हमसे बात करते हैं उन्होंने हमें बताया विथ प्रूफ, ऐसे बथेरे लोग हैं जो काम कर रहे होंगे जिन्होंने हमें नहीं बताया, और इससे भी ज्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। ओके तो सर रेटिंग कितनी देंगे आप इसको? तो इसको मैं रेटिंग दूंगा 3 स्टार। ओके मतलब आप फोकस भी करो और नहीं भी करो, ठीक है सर। अगला बताइए सर। अगला है ग्राफिक डिजाइनिंग एंड NFTs। ओके NFTs पे शायद हमारा ऑलरेडी एक वीडियो है, तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि क्या NFT, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और सर इसमें भी हम कैसे क्लाइंट ढूंढे और मनी कैसे चार्ज करें? देखो अभी है ना ग्राफिक डिजाइनिंग से लोगों को लग रहा होगा ये ब्लॉगिंग से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, ब्लॉगिंग से ऐसे रिलेटेड है, जब आप ब्लॉग बनाते हो आप इमेजेस बनाते हो, तो इमेजेस बनाने में प्लीज बहुत ध्यान दें, क्योंकि आप जब इस पोस्ट को फेसबुक पे शेयर करते हो तो फेसबुक पर जो क्लिक्स आते हैं वो इमेज पे आते हैं, ठीक है, तो आप मैं ये मान के चल रहा हूं जब आप एक ब्लॉग बना रहे हो तो आप एक अच्छी इमेज बनाने का भी ध्यान दे रहे हो, इसी वजह से ग्राफिक डिजाइनिंग पे हम आ गए। हम बहुत हाई फाई ग्राफिक डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। क्लाइंट्स कैसे ढूंढने? फाइवर अपवर्क फेसबुक ग्रुप है, वहां पर आप लोगों के YouTube में जैसे गए थे वहां पर आप बोल सकते हो यूट्यूबर्स को कि सर, क्योंकि मुझे भी मेल आते रहते हैं कि आपका सर थंबनेल बहुत अच्छा नहीं है, देखो हम इस तरीके से थंबनेल बना सकते हैं, और लिटरली मानिए जो बड़े यूट्यूबर्स हैं अगर आप उनको थंबनेल उनको पसंद आ गया, उन्हें पता है कि इसी थंबनेल से ही उनके वीडियो चलने वाले हैं, वो आपको हायर कर लेंगे, राइट और सर कितना चार्ज करना चाहिए? जैसे अगर मैं किसी को अप्रोच करती हूँ तो मैं एक थंबनेल डिजाइनिंग की बात करती हूँ, तो मुझे कितनी चार्ज करना चाहिए? कितना इसमें चार्जिंग के बेसिकली ऐसा है कि 100 रुपए से आप 1000 रुपए तक चार्ज कर सकते हो, या मैं ग्राफिक डिजाइनिंग थंबनेल की बात कर रहा हूँ। अगर हम NFT की बात करें, NFT एक एडवांस वर्जन ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग है, बट उसमें भी लोग आपसे बनवाते रहते हैं, तो थोड़ा सा टूल्स वूल्स आपको आना चाहिए कैसे आना है, तो उसमें भी आप ज्यादा NFT में ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं, इसमें 1000 रुपए मैक्स आप चार्ज कर सकते हैं। एक मैं एग्जांपल दूंगा इमेज से रिलेटेड, संदीप माहेश्वरी जी का जो पूरी कंपनी है दैट इज कॉल्ड इमेज बाजार, सिर्फ इमेज से ही पूरा का पूरा उनका बिजनेस एम्पायर रन कर। और सर इसमें क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है? इन्वेस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि आपका ब्लॉग ऑलरेडी है और आप इमेजेस बना रहे हैं उसमें अच्छी, तो आपको बोले कोई कैनवा है फ्री में अवेलेबल है, जब आपको हायर इन क्लाइंट्स मिलने लगे तो फिर आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, जब तक नहीं मिल रहा तब तक आपको कोई जरूरत नहीं है। और सर अगेन एट द एंड ऑफ द मंथ हाउ मच मनी कैन बी अर्न? इसमें आप 5,000 रुपीज से लेकर 25,000 रुपीज पर मंथ तक कमा सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में। NFTs में आपकी पकड़ बन गई तो हम नहीं जानते, कोई लिमिट ही नहीं है, हम वर्ड्स में डिफाइन ही नहीं कर सकते। और सर रेटिंग कितनी देने वाले हैं आप इसको? रेटिंग में उसको 3 स्टार देने वाला हूँ। ओके अगला बताइए सर। अगला है वेब स्टोरी मेकिंग। सर ये
अपने लिए बनाना नहीं है, ये सर्विसेज देने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करना है। आप अपने ब्लॉग के लिए तो बना ही रहे हो वेब स्टोरी, व्हाई नॉट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर्स आल्सो। और अगर आपको वेब स्टोरी नहीं पता है क्या चीज है तो प्लीज आप कमेंट करें, और वेब स्टोरी से रिलेटेड हम 4 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, धमाल चीज है साहब वेब स्टोरी। तो सर हम इसमें क्लाइंट्स कैसे ढूंढे और कितना चार्ज करें? क्लाइंट्स ढूंढने के लिए अगेन जैसे मैंने कहा था कि ये पूरी चेन बन रही है, किसी को आप ब्लॉग बनाने के लिए जाओगे तो फिर एसईओ सर्विसेज आपने प्रोवाइड करी, उसके बाद बोलोगे कि देखो साहब वेब स्टोरी एक ऐसी चीज़ है, अगर मैं आपके लिए बनाऊंगा तो ट्रैफिक आएगा ही आएगा, फ्री में आप 5 उनके लिए वेब स्टोरी बना दो ट्रैफिक आएगा। और इसके लिए मैं बोलूँगा क्लाइंट्स कैसे ढूंढने, आप सराउंडिंग अपने आसपास में जाइए, शॉप्स होंगी ठीक है, उनकी वेबसाइट भी मोस्ट प्रॉब्ली होनी चाहिए क्योंकि लोग डिजिटली लिटरेट हो चुके हैं। आप उनको बोलो कि भाई आपके पास ट्रैफिक तो आ नहीं रहा, मैं आपके लिए बनाऊंगा वेब स्टोरीज, आपके पास ट्रैफिक आएगा, आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। राइट। और सर कितना चार्ज करना चाहिए फिर हमको वेब स्टोरीज बनाने के लिए? वेब स्टोरी का आप 100 रुपए से लेके 1000 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। राइट। और सर कितना डिफिकल्ट है वेब स्टोरी में? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, एक बार अगर आपका हाथ सेट हो गया तो आप खटाखट बना सकते हैं। ओके। और सर इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायरमेंट है? इन्वेस्टमेंट की कोई रिक्वायरमेंट मतलब ब्लॉग अगर आपके पास है तो आपको पता है कि कैसे वेब स्टोरी बनाना है। और सर एट द एंड ऑफ द मंथ हाउ मच मनी आई कैन मेक? आप इससे इजीली 25,000 से 30,000 रुपए महीने सर्विसेज से कमा सकते हैं। सर्विसेज से कमा है ना, वेब स्टोरी आप अपने ब्लॉग से कमाओगे वो तो अलग ही चीज होगी। वो अगर आपको देखना है कि वेब स्टोरी अपने ब्लॉग से कितना कमाओगे तो हमारे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में देख लीजिएगा, पीपल आर अर्निंग लाइक एनीथिंग। और इसी से प्लीज हमें लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, और वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करें। सर इसकी रेटिंग बताइए कितनी देंगे? 5 स्टार मैं दूंगा वेब स्टोरी साहब, जिस भी फॉर्म में आपको मिल रही कूद पड़ो उसमें। सर की ना फेवरेट है वेब स्टोरी। नेक्स्ट बताइए सर। नेक्स्ट है रिप्लाइंग कमेंट्स। आप ना अजीबो गरीब चीज लेके आते हैं, रिप्लाइंग कमेंट्स क्या होता है? जब है ना मैंने एक्चुअली बोलता था कि आप कमेंट का रिप्लाई करके भी बहुत आपको फायदा मिल सकता है, पैसे कमा सकते हैं, तो लोग हंसते थे मेरे पे। फिर हमारे पास आया ब्लॉग रिव्यू 24 आदित्य का, जरूर देखें, वो कमेंट का रिप्लाई करके साथ 30,000 रुपए महीने कमा रहा है। वेरी इंटेलिजेंट ही इज एक्चुअली, वेरी इंटेलिजेंट। एक्चुअली हमारा एम आपको ये बोलना था कमेंट्स का रिप्लाई करें कि आप लोग एक दूसरे से ही अपनी कम्युनिटी बना बना के हेल्प करिए, सो दैट कि ना सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। व्हेन यू मीट विद द लाइक माइंडेड पीपल देन डेफिनेटली आप एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। अच्छा, और आप है ना सेल्फिश ना बने शुरू में, ये पहले में ही आपको फायदा हो जाए, मदद करें लोगों की, आपको फायदा जरूर मिलेगा। ये चैनल मैंने मदद के इंटेंशन से बनाया था और आज सुपर हिट हो चुका है। राइट। तो सर इसके लिए जैसे आपने बताया कि रिप्लाइंग कमेंट्स करें, तो रिप्लाइंग कमेंट्स करके हमको कैसे क्लाइंट्स मिलेंगे और हम उनसे कैसे पैसे चार्ज करेंगे? सारी चीजें हमने ब्लॉग रिव्यू 24 में बता रखी हैं। ओके। और डिफिकल्टी लेवल कितना होगा सर? डिफिकल्टी लेवल मैं उसको मीडियम टर्म बोलूंगा बेसिकली। सबको करना चाहिए अगर आप इनिशियल लेवल पर हैं, क्योंकि बेसिकली आपकी कम्युनिटी बनेगी, शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होती है, बाद में एक बार बनने लग जाती है तो बहुत फायदा होता है। ओके। और इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट? इन्वेस्टमेंट देखो आपके पास ब्लॉग होना चाहिए, वर्डप्रेस रिलेटेड ब्लॉग होना चाहिए, तभी लोग कमेंट करेंगे तो आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। राइट, है ना? ठीक है, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट। और हाउ मच मनी आई कैन अर्न आफ्टर एट द एंड ऑफ द मंथ? 30,000 रुपीज तो हमारे पास एग्जांपल है, जो हमें पता है हमने आपको बता दी। ओके। और रेटिंग सर कितनी देंगे आप इसको? मैं इसको रेटिंग दूंगा 5 स्टार, और उसका रीजन ये है कि ये आपको करना ही करना, आपको कमेंट करना ही करना है, आपको कम्युनिटी बनाना ही बनाना है, आपको बहुत फायदा होने वाला है इस चीज से, आपको पता नहीं है कितना फायदा होने वाला है, इसी बात पर यहाँ पर एक अच्छा सा कमेंट कर दें। नेक्स्ट बताइए सर। सेलिंग एडसेंस। ओके। तो सेलिंग एडसेंस के लिए हम मतलब एडसेंस अपना सेल करना चाहते हैं, आपका खुद का एडसेंस होगा ऑब्वियसली, आप यही बताना चाह रहे होंगे? नहीं, खुद के तो नहीं सेल करेंगे। नहीं, खुद के नहीं, मतलब आप किसी का ब्लॉग बना करके उसमें एडसेंस अप्रूव करवा करके ही सेल करेंगे ना? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, ठीक है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ऐसे होते हैं कुछ लोग की यार उन्हें पता है कि इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो अलग अलग लोगों के दिमाग होते हैं। बहुत सारे अभी मुझे लड़के मिले हैं जो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं जो क्लाइंट्स फेसबुक ग्रुप में आपको यूजुअली ये क्लाइंट्स मिलेंगे, वहां पर जाओगे, जिनको चाहिए कि आपको आपके एक एडसेंस अप्रूव्ड ब्लॉग दिला दे, तो आपको वहां सारे क्लाइंट मिल जाएंगे कि एडसेंस कैसे सेल करें। ठीक है। तो सर कितना इसका डिफिकल्टी लेवल कैसे होगा और उसमें कितना चार्ज करें? जैसे मेरे पास एक एडसेंस का ब्लॉग पड़ा हुआ है, मुझे उसको सेल करना, तो मैं कितना चार्ज करूं उसके लिए? मैं यहाँ अपने ब्लॉग को सेल करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली चीज। यहाँ पे ये हो सकता है दूसरे वाला जो बंदा है वो अपना ब्लॉग पर उसको आपको एडसेंस अप्रूव कराना है, जो कि डिफिकल्ट नहीं है, उसको बस पता नहीं है कैसे करना है। फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में हमारा कुछ टाइम में अभी फिर आएगा कि एडसेंस आप कैसे अप्रूव कराएं, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे एडसेंस अप्रूव कराना है, प्लस
उनका ये रहता है दूसरे बंधु का कि आप एक कोई दूसरा ब्लॉग लें जिसमें एडसेंस अप्रूव करा के हमें उनको दे दे। ओके, और सर फिर हम आप इसको रेटिंग कितनी देंगे? इसमें अगर अर्निंग की पहली चीज में अच्छा, बात करूं कितनी है तो 10,000 rupees पर एडसेंस से 30,000 rupees एडसेंस पर एडसेंस तक लोग चार्ज करते हैं। तो फिर तो सर एट द एंड ऑफ द मंथ अगर मुझे 2-3 क्लाइंट्स मिल जाते हैं तो yes. काफी अच्छा रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं। वर्ड ऑफ माउथ पे भी चलती हैं चीजें, अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं तो फिर आपको मिलते रहते हैं। ओके, और सर रेटिंग कितनी देंगे? रेटिंग मैं इसको दूंगा 1 star। ओके, अगला बताइए सर। अगला है फेसबुक पेजेस एंड ग्रुप्स। ओके, तो सर फेसबुक पेजेस एंड ग्रुप्स की आप बात करें तो हम बनाएं कैसे फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स? देखो, फेसबुक पेजेस से रिलेटेड हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, सचिन वाला, आपको आई बटन में मिल जाएगा। भाई साहब 1 lakh से ऊपर व्यूज उसके जा चुके हैं और जो उसने स्टेप बाय स्टेप मेथड बताए हैं ना, अमेजिंग अमेजिंग है। ब्लॉग रिव्यू 22 वाला जो विशाल है उसने मुझे कॉल करके बोला कि सर उसको फॉलो किया, कुछ ही दिन में उसके 5,000 फॉलोअर्स फेसबुक में बन गए। लोग काम ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली लोगों को सही तरीका पता भी नहीं है, और सचिन वाला जो मेथड आप उससे काम करेंगे बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाली है। और फेसबुक ग्रुप का मैडम आप बताइए। फेसबुक ग्रुप का एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, उसका एक पेज चलता है एंटरप्राइजिंग दिवास करके, एंड आप विश्वास नहीं मानोगे, हम पालम विहार में रहते थे और उसने बस एक लोकल ग्रुप बनाया था लेडीज का। लोकल मतलब क्या हुआ? लोकल मतलब उसी एरिया के लिए, पालम विहार की सर्कल्स बनाया था लेडीज का, जो हमारे जो स्मॉल एंटरप्रेनर्स होते हैं ना जिन्होंने घर पे ही कुछ कुछ स्टार्ट किया होता है, केक बनाना ये वो। उसके बाद वो धीरे धीरे उसने धीरे धीरे ग्रुप उसका ग्रो हुआ। पहले तो उसने ना एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किए कि आप मेरे ग्रुप में आकर के अपने एड्स दे सकते हैं, अपना प्रोडक्ट की फोटोग्राफ डिस्प्ले कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट है, इसकी ये फोटोग्राफ्स है, इसका प्राइस इतना है, जिसको खरीदना खरीद लेता था, राइट। स्लोली स्लोली उसका ग्रुप उसने ग्रो किया और 23,000 वुमेन्स आर देयर राइट नाउ। और आज के टाइम में वो एक लाइव फेसबुक पे अपने ग्रुप पे पेज पे करती है और उस पर उसके 700 rupees वो चार्ज करती है। अब आप उसके और दिन में 12 लाइव होते हैं कम से कम, मतलब 12 घंटे की उसकी पूरी बुकिंग होती है और कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 3 lakh rupees वो पर मंथ कमा रही आज के टाइम। अच्छा, इसका हिट होने का रीजन ये है, देखो 23,000 बड़ा नंबर नहीं है, नंबर नहीं है बड़ा, 23,000 तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि है ना लोकलाइज्ड ग्रुप है, राइट, एक ही जगह से रिलेटेड है और प्रोडक्ट है ना सेल इजिली हो जाते हैं। अगर आप इंडिया लेवल टारगेट करोगे ना तो सेल करना डिफिकल्ट है, लोकलाइज्ड ग्रुप में सेलिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट। और हमारे पास लाइव एग्जांपल है तो हमने बता दिया कि 3 lakh के आसपास वो पैसे कमा रही है, राइट। तो सर आप हमें बताइए कि इसका डिफिकल्टी लेवल कितना होगा? बहुत ही इजी है, बहुत ठीक है ना, काम नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, लोग काम नहीं कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम। और मैं भी बता रही हूँ, जैसे इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो उस बंदी ने 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, सिर्फ अपना उसने एक फेसबुक कम्युनिटी बनाना स्टार्ट किया था, दैट्स इट, व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट नाउ स्टिल अभी वो उसमें 0 इन्वेस्टमेंट करती है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके पास, है ना। और फेसबुक पेजेस ब्लॉगिंग से कैसे रिलेटेड है, तो हम कह रहे हैं कि फेसबुक ग्रुप को आप बड़ा करो, उसके बाद अपने ब्लॉग को प्रमोट करो, जो कि सचिन वाले वीडियो में आपको डिटेल में मिलता है, राइट। तो सर एट द एंड ऑफ द मंथ अब मेरे बोलने का ही नहीं बनता कि कितना हम पैसे कमा सकते हैं। लाखों रुपए सचिन कमा रहा है, राइट, ठीक है, उसने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताया था, मैं जानता हूँ बथेरा पैसा वो कमा रहा है। और मैं अपनी फ्रेंड का जानती हूँ कि मेरे को तो बिल्कुल अमाउंट पता है कि 3-3.5 lakh rupees वो महीना कमा रही है। और सर रेटिंग कितनी दोगे आप इसको? रेटिंग मैं उसको दूंगा 5 star, इस पे आपका फोकस रहना ही चाहिए, जरूरी है। मैं वही कहते ना सर, हम लोग बात करते हैं कि अगर आप, इट्स एन इकोसिस्टम बेसिकली, कि अगर आप एक ब्लॉग बना रहे हो तो ब्लॉग के साथ यूट्यूब फेसबुक, ये पूरा सोशल मीडिया एक इकोसिस्टम क्रिएट कर देता है। सर मेरे ऊपर हंस रहा है क्योंकि मैम बहुत बोलती है। सर अगला बताइए। नेक्स्ट है अफिलिएट्स। अफिलिएट्स होता क्या है पहले तो आप हमें ये बताइए। अफिलिएट एक्चुअली काफी लोगों को पता होगा, और बेसिकली जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फोन ही है, ठीक है, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज या हम जब रिव्यूज देखते मिलते हैं तो बोलते हैं, अच्छा अभी आपने जैसे देखा, हमने कहा होस्टिंग अगर आपको लेना है, बेसिकली अगर होस्टिंग लेना है तो नीचे हमारा अफिलिएट लिंक है, तो जो प्रोडक्ट होता है वो सेम प्राइस ही होती है जो मार्केट में चल रही होती है, हमने उसको रिकमेंड किया होता है, हमारे लिंक से कोई बाय करता है तो हमें छोटा सा कमीशन मिल जाता है। LIC एजेंट उसी तरीके से पुराने जमाने में काम करते, तो ये अफिलिएट, ठीक है। तो सर हमको अफिलिएट के लिए क्या स्पेसिफिक निशेस पे काम करना चाहिए या हम कैसे ढूंढे उसके लिए निशेस? देखो हमारा है ना अभी जो मेन पर्पस है कि आपका जो ब्लॉग है करंट उससे कैसे, है ना, तो मेरा ये मानना है कि देखो एक अफिलिएट अपने आप में समंदर है, ठीक है ना। तो अभी हम ये नहीं कह रहे कि अफिलिएट के कौन सी लिए आप कौन सी निशेस में काम करो, आपका जो ब्लॉग है उस निशेस
निश में एफिलिएट ढूंढो, उसमें जो आर्टिकल आपने लिखा है जो रैंक कर रहा है, आप सर्च करें गूगल में कि उससे रिलेटेड कुछ एफिलिएट है या नहीं है, वहां पर आप प्रमोट करें। ओके, और सर इसका डिफिकल्टी लेवल कितना है? डिफिकल्टी लेवल टफ है, अर्न करना, पैसे कमाना, बिकॉज अगेन जैसे मैंने कहा लोगों से पैसे निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और सर कितने एफर्ट्स कितने मारने पड़ेंगे इसके लिए? देखो एफर्ट शुरू में मारने पड़ते हैं, एक बार आपकी ब्रांड बन जाती है तो आपकी अफराद सेल होती है, अफिलिएट अगर आपका चलने लग गया ना तो उसमें एडसेंस से भी ऊपर सेल होती है। ओके, और सर इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट देखो इसमें एफर्ट्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो है ही है, प्लस आपको अलग अलग जाकर रजिस्ट्रेशन भी करने पड़ते हैं, उसका जो इनिशियल एफर्ट है वो है, मतलब वो टाइम इन्वेस्टमेंट है, सब टाइम और रिसर्च वाला इन्वेस्टमेंट है। ओके, एंड सर एट द एंड ऑफ द मंथ अगर मेरे पास एक एफिलिएट लिंक है तो मैं मोटा मोटे कितने पैसे कमा पाऊंगी? एफिलिएट से अगर आप पूरा पर करते हैं तो बेसिकली ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, आप 10,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए महीने तक इसमें कमा सकते हैं। और सर रेटिंग कितने देंगे? रेटिंग मैं इसको दूंगा 5 स्टार। आपको शुरू से ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखने की जरूरत है। एक्चुअली हम यही बोलते हैं कि पहले आप एक बार ना फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का पार्ट जीरो देखो, उसका रोड मैप देखो, और उसके बाद यू स्टार्ट अप्लाई ऑल दीज टेक्निक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, राइट? और अफिलिएट से रिलेटेड अगर आपको और चाहिए, देखो अफिलिएट से रिलेटेड हमारे चैनल पर बहुत कम कॉन्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो कॉमेंट करें। ओके सर नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट है सेलिंग योर ब्लॉग। ओके सर, पर कोई क्यों अपना ब्लॉग सेल करेगा? बहुत सारे पर्पसेस होते हैं, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा विकास जी का, जो कि सतीश भाई के चैनल पर आए थे, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से भी ऊपर अपना ब्लॉग बेचा था। ओके, मेरी उनसे बात हो रही है कि भाई हमारे चैनल पर भी आए, और पूरी डिटेल आपको सतीश भाई के चैनल पर मिल जाएगी जो उन्होंने बताया था। तो इस तरीके से आप एक ब्लॉग को बेचकर भी 1 करोड़ रुपए तक कमा सकते हैं। तो सर मेरा उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्लॉग आप सेल करने की बात कर रहे हो तो वो वर्डप्रेस पे होना चाहिए या ब्लॉगर पे होना चाहिए? भाई ब्लॉगर पर अगर आप बनाओगे तो बेचना ना के बराबर है। Okay. तो ये ब्लॉग वर्डप्रेस पे होना चाहिए। और कैसे उसको सेल करें सर? बहुत सारे तरीके हैं, बेस्ट उसमें से फ्लिपा है, ठीक है, और फेसबुक ग्रुप्स वगैरह है, वहां पर आपको हो जाता है। ओके, और सर जैसे मेरे पास एक ब्लॉग है तो मैं कैसे उसका अमाउंट फिक्स करूं कि मुझे ये ब्लॉग इतने में सेल करना है? देखो एक जो जनरल ट्रेंड चलता है वो ये है कि आप जितनी अर्निंग कर रहे हो उससे उसका 36 times आपको मिल जाता है, ये स्टैंडर्ड है। उसके अलावा क्या होता है ना, कई बार रिक्वायरमेंट बेस्ड भी होता है, फॉर एग्जांपल फैशन से रिलेटेड मुझे कुछ काम करना है, अब मुझे एक सर्टेन चाहिए कि इतने यूजर्स मेरे पास हो, मुझे ब्लॉग बनाते आता है, पर मुझे पता ही मैं ब्लॉग अगर बनाने लग जाऊंगा तो मेरा करंट काम इफेक्ट होगा पहली चीज, और मुझे 3 साल लग जाएंगे। ओके, तो ये 36 से भी ऊपर अमाउंट आपको मिल सकता है। ओके, और सर कितना डिफिकल्ट है ये ब्लॉग सेलिंग का काम? डिफिकल्ट है, ठीक है ना, क्योंकि पहली चीज तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, दूसरी चीज उसका बायर होना चाहिए, आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे सारी चीजें करनी है। ओके, और हाउ मच इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर दिस? इन्वेस्टमेंट अगेन आपके पास ब्लॉग होना चाहिए जो कि रनिंग होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, कुछ ट्रैक्शन होना चाहिए, तभी बिकेगा वो। रेटिंग दीजिए सर अब इसको। रेटिंग मैं उसको दूंगा 1 star, है ना, अभी आप इस पर फोकस कम से कम करिए, पर आपका ध्यान होना चाहिए। ओके, अगला बताइए सर। नेक्स्ट अगला है डायरेक्ट एड्स। ओके सर, ये डायरेक्ट एड्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हमें ब्रीफ करके बताइए। देखो सबसे पहले हमने बताया था एडसेंस। एडसेंस क्या होता है, आपका ब्लॉग होता है, आप उसको बोलते हो अपनी स्पेस रेंट पे देते हो गूगल को, गूगल क्या करता है उसमें किराएदार लेके आता है और रेंट हमें देता है बेसिकली उसका। ओके, तो सारी सर्विसेस कौन कर रहा है? गूगल कर। अब उसका वो करता है कमीशन, 35% के आसपास हमसे चार्ज कर लेता है, ठीक है। तो अगर वो डायरेक्ट हमारे पास आने लग जाए तो डायरेक्ट एड्स हो गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे ही ब्लॉग है दीपावली एसईओ टिप्स, उसमें हमारे जो बैनर एड्स वगैरह लगे हैं कुछ कुछ स्पॉन्सर्ड हैं, डायरेक्टली हमारे पास आ गए। अच्छा, एक और चीज इसमें ऐड करूंगा कि जैसे मैंने देखा था अच्छी खबर जो गोपाल जी का ब्लॉग है, उन्होंने कुछ टाइम के लिए, पता नहीं अभी कर रहे हैं कि नहीं, उन्होंने राइट हैंड साइड में ये बोल के रखा था कि अगर आपको प्रमोट करना है अपना ब्लॉग तो मेरे पास आए, लिंक डालने के लिए उन्होंने बोला था कि एक लिंक राइट हैंड साइड बार में चला जाएगा, जिसके 500 रुपए महीने वो चार्ज कर रहे थे और 10 लिंक के आसपास तो उनके हर महीने रहते ही थे। बताइए सर। अच्छा सर, और जैसे ये आप बता रहे हो कि डायरेक्ट एड्स लेने, तो डायरेक्ट एड्स के लिए हम एडवर्टाइजर्स कहाँ से देखें, डायरेक्टली हम कैसे ढूंढे उनको? ये अगेन आपका ब्लॉग अगर फेमस होगा तो ही होगा, प्लस कुछ निशेस के लिए है, तो इससे रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग कॉमेंट करते हैं तो। ओके, और सर उसमें फिर आप ये भी हमें बता दीजिएगा कि कितना मनी चार्ज करना चाहिए था उनसे, राइट? और इसका सर डिफिकल्टी लेवल कितना होगा? डिफिकल्टी। ओके, और इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायरमेंट होगा? इन्वेस्टमेंट अगेन आपके पास ब्लॉग होना चाहिए जो कि उस पर ट्रैफिक होना चाहिए। ओके, और सर इसका अर्निंग पोटेंशियल बताइए। अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, आप सोचिए कि एडसेंस में जो आपको पैसे मिल रहे हैं, जो कि लाखों लोग कमा रहे होते हैं,
उसमें कमीशन भी आपको नहीं देना, ऊपर से बहुत पैसे मिल रहे हैं। ओके, और सर रेटिंग कितनी होगी? रेटिंग इसको मैं शुरू में 2 स्टार दूंगा, आपका ध्यान होना चाहिए पर कम। सर अगला बताइए, रेफर एंड अर्न। ओके, तो सर रेफर एंड अर्न, ये अगर हम एफिलिएट की बात करें तो क्या रेफर एंड अर्न और एफिलिएट एक चीज है या अलग अलग चीज है? अगेन देखो, रेफर एंड अर्न मैं ब्लॉगिंग के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ, पहली चीज तो कि अगर आपके पास ब्लॉग है तो ठीक है। दूसरी चीज, दोनों में डिफरेंस क्या है? अफिलिएट डिफिकल्ट है ना। रेफ अफिलिएट में क्या होता है, किसी का एक प्रोडक्ट होता है जैसे फोन है और आपको बेचना है तो सामने वाले के जेब में से पैसे निकालने। रेफर एंड में कई बार क्या होता है ना, जैसे अपस्टॉक्स की मैं बात करता हूँ, अपस्टॉक्स में आप किसी को बोलते हो कि भाई अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवा लो, सामने वाले के 0 रुपीज लगते हैं। ओके, वो अकाउंट खुलता आपको 1000 रुपए तक मिल जाते हैं। प्लस क्या होता है, जैसे अपस्टॉक्स मुझे बहुत पसंद क्यों है, उसमें अगर एक बार फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे लिंक से खोल लिया, मुझे 1000 रुपए तो मिल गए, फिर आप जितने स्टॉक्स बाय करोगे ना तो उसका ब्रोकरेज का कुछ परसेंटेज मेरे को जिंदगी भर मिलता रहेगा। मतलब मैं जितने टाइम जिंदगी भर ट्रेडिंग करती रहूंगी मुझे उसका परसेंटेज मिलता रहेगा, मुझे उसका ब्रोकरेज परसेंट मिलता रहेगा। तो अपस्टॉक्स में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो अपस्टॉक्स का भी हमने लिंक नीचे दे रखा है, अगर आपको खुलवाना है तो हमारे एफिलिएट लिंक से खुलवा सकते हैं। ओके, और सर इसका डिफिकल्टी लेवल कितना होगा? डिफिकल्टी लेवल देखो, मैं इसका बोल रहा हूँ मीडियम टर्म। आप बेसिकली अभी क्या है ना, आपका ब्लॉग है, आप देखो कि रेफर एंड अर्न किस चीज से होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपस्टॉक्स बताया, और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, तो आप उसके बारे में कंटेंट लिखो या आपके बारे में ऑलरेडी लिखा हो, अगर आपके पास ट्रैफिक आ रहा है तो बस नीचे आपको लिंक देना है। ओके, ऐसा कुछ डिफिकल्टी लेवल खास नहीं है, तो बेसिकली ट्रैफिक होना चाहिए, ट्रैफिक होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ब्लॉग है। ओके, राइट सर। सर अब इसका अर्निंग पोटेंशियल आप हमें मुझे बताइए। अर्निंग पोटेंशियल शुरू में डिफिकल्ट है पर बहुत ज्यादा है, मतलब रेफर एंड अर्न से ही अगर मैं पुष्कर राज की बात करूं, क्योंकि आप स्टॉक्स में वो इतने पैसे कमा रहे हैं, मतलब वो करोड़ों रुपए महीने सिर्फ और सिर्फ आप स्टॉक्स के रेफर एंड अर्न से कमा रहे हैं। कई बार अभी मैंने एक बार उनका देखा था, तो वो कहते हैं जब मॉर्निंग में उठा मैंने देखा कि आप स्टॉक से मेरे अकाउंट में 75,000 रुपीज आ गए। मॉर्निंग एवरी मॉर्निंग में देखता हूँ 75,000 रुपीज आ जाते हैं। सर रेटिंग कितनी देंगे? रेटिंग मैं उसको दूंगा 5 स्टार, आपको इस पर ध्यान रखना ही रखना। ओके, फोकस बिल्कुल टाइट होना चाहिए इस पर। ओके, अगला बताइए सर। माय सेलिंग होस्टिंग। ओके, तो सर सेलिंग होस्टिंग की अगर आप बात करें तो सेलिंग होस्टिंग तो क्लाइंट से ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। सेलिंग होस्टिंग में सबसे पहला सवाल तो यही हो सकता है, भाई मेरे पास तो होस्टिंग है ही नहीं, है ना, तो रीसेलिंग होस्टिंग भी कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप होस्टिंग कर लो ठीक है ना, और उसमें 100 ब्लॉग्स आप होस्ट कर सकते हो, ठीक है, आपके मैक्सिमम 10 ब्लॉग्स होंगे। अब 90 का स्टॉक खाली है आपके पास में, तो जो आप नेटवर्क बना रहे हो वहां पर आप ये बोल सकते हो कि सामने वाले को, भाई तू मत ले, मैं पूरा का पूरा ब्लॉग। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, वो ब्लॉगिंग करना चाहते हैं पर उन्हें ब्लॉग बनाते ही नहीं आता। आप थैंक गॉड करें, क्योंकि वो थोड़े से एजेड लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी वाइज जो कहते हैं हम आर्टिकल लिख लेंगे पर हमें ये सब समझ में नहीं आता क्या सारी चीजें। 5,000 रुपए तक भी देने के लिए तैयार होते हैं कि एक ब्लॉग हमारे लिए बना दो, हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, पर वो कॉमेंट करते हैं। तो आप ध्यान दें वहां पर, उनके लिए ब्लॉग बना सकते हैं या फिर आप उन्हें होस्टिंग सेल कर सकते हैं कि भाई उनसे कह सकते हैं कि आप डोमेन ले लो, है ना, हम आपको पूरा का पूरा होस्टिंग आपको बनाकर और ब्लॉग बनाकर उसमें पूरा देते हैं। और सर इसके लिए फिर मतलब कितनी पैसे कितने चार्ज करने पैसे चाहिए? देखो पैसे अगेन देखो, आपके पास होस्टिंग है ही है मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है, पैसे आप 500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक कर सकते हैं, डिपेंड्स कि उसको क्या क्या सारी चीजें हैं। कुछ लोग होगा जिसको सिर्फ होस्टिंग चाहिए था, 500 रुपए में भी दे सकते हो, कुछ होंगे कि नहीं ये भी कर दो वो भी कर दो, उस हिसाब से चार्ज जुड़ते रहते हैं। प्लस आदित्य राज वाला जो हमारा वीडियो था वो हम पार्ट रिकॉर्ड करना भूल गए, वो रीसेलिंग होस्टिंग से भी बहुत पैसे कमाता है। सर डिफिकल्टी लेवल कितना है इसका? इसका डिफिकल्टी लेवल हाई है अगेन, क्योंकि किसी के पॉकेट में से पैसे निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए। ओके, और सर इसको रेटिंग कितनी देंगे? इसको रेटिंग में 1 स्टार दूंगा, आपको पता होना चाहिए बट सबसे बाद में। नेक्स्ट बताइए सर। मेकिंग वायरल स्क्रिप्ट। ओके, वायरल स्क्रिप्ट का क्या मतलब हुआ? देखो हमने है ना कुछ आर्टिकल लिखे थे कि एंकरिंग कैसे करें, ठीक है, अब एंकरिंग इन जनरल हो गई, तो हमें वहां से और रिक्वायरमेंट आने लग गई कि सर पर्सनल हमें बताएं, जैसे फॉर एग्जांपल मैरिजेज हो रही हैं, बर्थडेज हो रही हैं, वहां पर जो एंकरिंग हो रही हैं, तो हमें पर्सनल चाहिए। अभी हमने तो जो बनाई थी जेनरिक बनाई थी, तो पर्सनल एंकरिंग के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आने लग गई। तो आप एंकरिंग से रिलेटेड अगर आर्टिकल लिखोगे और ट्रैफिक आ जाएगा तो आपके पास ये रिक्वायरमेंट आने लग जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा एक कजन है, उसने मुझे क्या बताया कि वो उसने US क्लाइंट्स को पिच किया, वहां पर हस्बैंड जो वाइफ होते हैं एक दूसरे को पर्सनल मैसेज लिखना चाहते हैं बर्थडे रिलेटेड, तो उसके उसने एक मैसेज लिखने के, पर्सनल मैसेज लिखने के 10,000 रुपए चार्ज किए थे। बताइए ऐसे हस्बैंड्स और ऐसे वाइफ्स भी होते हैं।
तो सर आपने चार्जेस तो बता दिए, बट ये डिपेंड करता है कि आपका यूएस क्लाइंट है कि इंडिया का क्लाइंट है, मतलब पर आज इंडिया वाले भी आजकल देने लगे हैं पैसे, देने लगे हैं आपको, मैरिजेस में दिख रहा होगा अफरात पैसे खर्च करते हैं, वहां पर आपको पैसे मिलने लग जाएंगे, बस थोड़ा सा क्रिएटिव होने की आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर्टिकुलर वे ऑफ मेकिंग मनी के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्रिएटिव हो, राइट सर. इसका डिफिकल्टी लेवल कितना है? इसका डिफिकल्टी लेवल हाई है क्योंकि आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, राइट. और इन्वेस्टमेंट कितना है सर? इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं. ओके. और अगर मैं मोटा माटी मान के चलूं तो एट द एंड ऑफ द मंथ में कितना कमा लूंगी? आप 3,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए महीने तक कमा सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी, डिपेंड्स अपॉन द वे यू पिच योर क्लाइंट्स, राइट. और सर इसको रेटिंग कितनी देंगे आप? रेटिंग मैं इसको दूंगा 1 स्टार. ओके. इसको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सारी चीजें और ये क्रिएटिविटी भी और मजे वाली बात भी, अगर आप इस चीज को करके मजे कर रहे हो तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, राइट. नेक्स्ट बताइए सर. बाय सेलिंग ईबुक. ओके. तो ईबुक सबसे पहली बात तो आप मुझे बताइए बनाएं कैसे ईबुक. ये ईबुक अगेन मैं बोल रहा हूँ कि हमारे ब्लॉग से रिलेटेड है, ठीक है. ईबुक बनाने का प्रोसेस आपको मिल जाएगा कि कैसे करना है. फॉर एग्जांपल आपका बायोग्राफी का ब्लॉग है, आपने महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखी, वहीं पर ही नीचे आप बोल सकते हैं कि हमारे पास पूरी की पूरी ईबुक है जिसे आप बाय कर सकते हैं, जिसमें हमने और भी सारी चीजें देखिए, कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें आप अपनी ईबुक में. फॉर एन एग्जांपल कि उन्होंने पता चला कि सारे फ्रीडम फाइटर की ये ईबुक बनाई हुई है, तो सारी फ्रीडम फाइटर की बायोग्राफीज ये उसमें, बस मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो आपके ब्लॉग में कंटेंट है उसे कुछ एक्स्ट्रा लिख कर उसमें डाल दिया. राइट राइट. और सर फिर उसके लिए जैसे मैंने बना ली एक ईबुक, तो उसके लिए मुझे कितने पैसे चार्ज करने चाहिए? पैसे का अगेन आप देखें कि आपके कॉम्पिटिटर वगैरह कितना चार्ज कर रहे हैं. आप 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक एक ईबुक का चार्ज कर सकते. ओके. और डिफिकल्टी लेवल कितना होगा? डिफिकल्टी लेवल अगेन इजी है क्योंकि आपके पास मान के चल रहा हूँ उससे रिलेटेड ट्रैफिक है. ओके. और इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट ईबुक बनाने का जो शुरू में इन्वेस्टमेंट आता है. और सर इसकी रेटिंग? रेटिंग मैं उसको दूंगा 2 स्टार. ठीक. नेक्स्ट बताइए सर. बाय सेलिंग कोर्सेज. ओके. तो सर कोर्सेज की बात आप कर रहे हो, तो कोर्सेज और ईबुक में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में कमी डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, बस एक डिफरेंस ये हो जाता है ईबुक स्टैटिक, ठीक है. कोर्सेज में क्या होता है कि आपको फॉर एग्जांपल कई बार मेंटोरशिप देनी पड़ती है, पर्सनल बात करनी पड़ती है, प्रैक्टिस शीट वगैरह बनाकर देनी पड़ती है, तो कुछ ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो एक्स्ट्रा एफर्ट है. तो सर जो कोर्सेज आप बात कर रहे हो वो कोर्सेज हमारे किस फॉर्मेट में बनना चाहिए? ऑडियो वीडियो टेक्स्ट किस फॉर्मेट में? किसी भी फॉर्मेट में आप बना सकते. ओके. और कितना पैसा चार्ज करना चाहिए कोर्सेज के लिए? अब देखो मैं पहले चीज की किस चीज का कोर्स बनाए. हाँ. अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करें से रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा और वो रैंक कर रहा है, तो उससे रिलेटेड कोर्स बना दो. ओके. तो देखो इसमें ना सेल के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि ऑथेंटिसिटी है कि आपका आर्टिकल रैंक कर रहा था, वो बंदा पढ़ रहा है, उसके बाद वो लेगा इन जनरल किसी के पास जाने से रिलेटेड. okay. तो इस चीज से रिलेटेड पहली चीज आप कोर्स बनाएं, है ना, और कितने रुपए में सेल होगा अगर आपका ये था ना क्वेश्चन, तो वो होगा बेसिकली आप अगेन कॉम्पिटिटर देखें कि कितना चार्ज कर रहा है, उसके हिसाब से आप सेल कर सकते हैं. ओके. वैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज आपका टाइम मैनेजमेंट वाला आर्टिकल है, उसमें आपके 1,000 व्यूज हो रहे हैं और मैं कहती हूँ 10 बंदों ने भी खरीद लिया और आपने 300 रुपये का उसका बिल्कुल मिनिमम प्राइस रखी उस कोर्स उस ई कोर्स की, तो आप देखिए कि 300 × 10 3,000 रुपये तो आपके एक दिन में ही कन्वर्ट हो गए. तो फिर सर मैं तो आप मतलब इसमें कन्वर्जन के रेट ज्यादा होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक ट्रैफिक. हाँ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है आपके पास, राइट. तो सर फिर मेरा तो ये क्वेश्चन ही बेकार है करना कि एट द एंड ऑफ द मंथ आप कितने पैसे कमा लोगे, अफरात पैसा है कोर्सेज में तो. और डिफिकल्टी लेवल कितना है सर? डिफिकल्टी अगेन मैं उसमें बोलूंगा टफ है बिकॉज ये इसमें अगेन आपके पास उन सारी चीजों से रिलेटेड ट्रैफिक आना चाहिए. ओके. और आपका इसमें सर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट? इन्वेस्टमेंट जो कोर्सेज बनाने में आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, देखो मैंने अभी आज तक कोई भी पेड कोर्स नहीं बनाया है. मैं एक चीज और बता दूं, हम देखो फ्री में ये सारा कोर्स दे रहे हैं, पेड कोर्स में भी आपको इतनी एक्सटेंसिव चीजें नहीं मिलने वाली हैं. अगर विश्वास मानिए अगर मैं यही सारी चीजें पेड बनाने के बेचने लग गया ना, हम करोड़ रुपए साल इजिली कमा सकते हैं, पर हम वो नहीं कर रहे हैं. तो यार पहले तो इस वीडियो को इस चीज के लिए लाइक कर दो. तो जो पेड कोर्स बनाते होंगे उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता होगा वो सारा लगेगा. और सर इसको रेटिंग कितनी देंगे आप? 5 स्टार. ये तो करना ही करना चाहिए. जैसे हमने फिजिक्स वाले का भी एग्जाम्पल देखा, तो वो पैसे कोर्सेस बना के ही कमा रहे हैं. तो सर अब लास्ट निश बताइए, बहुत लंबा वीडियो हो गया है. देखो लास्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है. मेक प्लगइन्स. सर ये क्या प्लगइन्स, क्या बनाने की बात कर रहे हो आप? प्लगइन्स मतलब देखो क्या हुआ कि आप ये अगेन वर्डप्रेस से रिलेटेड हो गया. वर्डप्रेस वालों बंदों को पता होगा प्लगइन्स क्या है. प्लगइन्स बेसिकली आपका काम आसान करने के लिए. अब जैसे वेब स्टोरी हम मान रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज है, उसमें ट्रैफिक तो आ जा रहा है, पर क्योंकि उसमें मोनिटाइजेशन एड प्लेसमेंट के प्लगइन्स नहीं है. तो मैं पहले भी बोल चुका हूं कि अगर आप इस टाइप का प्लगइन बना सकते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, बहुत चांसेस हैं कि आप उसमें पैसे बना सकते हैं. तो इसमें हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली और आप इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. तो आप इस टाइप का जब काम करोगे और टूल्स बना के प्लगइन्स एंड टूल्स भी आप बना सकते हो. देखो टूल्स पे भी हम काम कर रहे हैं.
आगे आप जाके देखोगे तो कॉन्टैक्ट अस पेजेस, प्राइवेसी पॉलिसी, इन सब के पेजेस हम दीपावली एसईओ टिप्स में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और ये सारी सी चीजें जब आप करोगे तो इससे पैसे कमा सकते हो। ओके और सर कितना डिफिकल्ट है ये? मतलब डिफिकल्ट है क्योंकि आपको थोड़ी सी कोडिंग की नॉलेज आनी चाहिए। और सर इसमें इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायरमेंट होगा? इन्वेस्टमेंट अगेन अगर आपको कोडिंग आती है तो ठीक है, अगर आप डेवलपर हायर करते हैं तो बेसिकली उसको लिए जो चार्जेस देने। ओके सर मैं इसमें पैसे नहीं पूछूंगी क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि ये तो अगर आपका एक बार प्लगइन बन गया तो फिर पता नहीं कितने ही पैसे है ना। मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये काम करना, पर अगर चल गया तो फिर एक ही प्लगइन आपको उधार कर देगा स्टार्टअप जैसा ही। और रेटिंग बोलिए सर लास्ट। रेटिंग इसको मैं 1 स्टार ही दूंगा क्योंकि ये डिफिकल्ट है। है ना, मतलब प्लगइन्स को मैं 1 स्टार दूंगा, टूल्स को मैं दूंगा 3 स्टार, उस पर आपको काम करना आना चाहिए। हो गए सर हमारे 21 वेज। हो गए हमारे 21 वेज। और भाई जो बंदा इतना लंबा वीडियो अभी तक यहाँ पर देख रहा है उसको सैल्यूट है। आप कुछ ना कुछ यहाँ पर जरूर सीख के गए होंगे, वो हमें कमेंट में जरूर बताना। और जिसने वीडियो यहाँ तक देख लिया ना प्लीज कमेंट करें वंदे मातरम, तो मुझे पता चल जाए कि कौन कौन ऐसा बंदा है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद करता है, प्यार करता है सबको। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।